हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डॉग हाउस मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी। और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और आज वाली वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम कुछ दोस्तों को देखते हैं जो कि एक बार में बैठकर हॉलीडे की प्लानिंग कर रहे थे। तो उसी दौरान उनके पास कैंडी नाम की एक लड़की आती है जो कि एक टूर बस की ड्राइवर होती है, और वो उन लोगों को अपनी बस में ट्रेवल कराने वाली होती है। हालांकि वो लोग उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन फिर बाद में वो उस लड़की के साथ टूर पे निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो जब दूसरे शहर में पहुंचते हैं तो उनकी बस के सामने एक मरा हुआ जानवर आ जाता है, जिसको देखकर उन्हें बस रोकनी पड़ती है और उस जानवर को हटाते हैं। तभी वहां पर उन लोगों के फोन बजने लगते हैं, तो उन दोस्तों में मौजूद माइकी सभी लोगों को अपने फोन इकट्ठे करके रखने के लिए कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस ट्रिप में उनको किसी भी तरीके का कोई भी डिस्टर्बेंस। जिसके बाद जब वो लोग शहर में पहुंचते हैं तो हमें झलक दिखाई जाती है कि इस वक्त कैंडी अपने आंखों में कुछ ड्रॉप डाल रही थी, और इस दौरान उसकी आंखें बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी दिखाई दे रही थी। फिर जब वो सभी दोस्त इधर उधर टाउन में घूम रहे थे तो उन्हें एक भी इंसान नहीं दिखाई देता, इनफैक्ट बार में भी कोई नहीं था। ये बात काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली थी। फिर हम माइकी को देखते हैं जो कि इधर उधर घूम रहा था, तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो आगे बढ़ता है तो उसे वहां पर एक ज़ॉम्बी दिखाई देती है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रही थी, और वो बैठकर मांस के टुकड़े खा रही थी। ये देखकर माइकी काफी ज्यादा डर जाता है और वो ठीक से सिचुएशन को समझ भी नहीं पाया था कि वो ज़ॉम्बी उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है। वहीं हम दूसरी तरफ माइकी के दूसरे दोस्तों को देखते हैं जिनके सामने से एक लड़की हुडी पहनकर गुजर रही थी, और उसी वक्त वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आकर उस लड़की को मारने की कोशिश करता है। तो विंस उस लड़की को बचाने के लिए उस ऑफिसर पर अटैक कर देता है, और यहां पर हम देखते हैं कि जो गिरा हुआ चाकू था वो लड़की नेल के हाथ पर एक चाकू से अटैक कर देती है। फिर नेल अपने दोस्तों को समझाता है कि लड़की उन्हें मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी वहां पर माइकी आ जाता है जो उस लड़की के सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और फिर जब वो देखते हैं कि वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक ज़ॉम्बी है, तो यहां पर माइकी ये बात बताता है कि ये अकेली नहीं है बल्कि यहां पर ऐसी और भी मौजूद है। ये सुनकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और उनके देखते देखते ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, और उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए बस की तरफ भागते हैं। लेकिन जब वो बस में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां दिखाई देता है कि कैंडी भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है, इसीलिए वो वापस से भागकर टाउन की तरफ आ जाते हैं। और जब टाउन में आते हैं तो एक ज़ॉम्बी उनकी तरफ बढ़ने लगती है जिसके हाथ में बहुत सारी कैंची थी, और अगर वो उन पर अटैक कर देती तो उनमें से कोई भी बचने वाला नहीं था। इसलिए वो वहां से भागते हुए दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो वहां उन्हें एक ऑफिसर दिखाई देता है जिसका पेट पूरी तरीके से फटा हुआ था और उसका पूरा शरीर का मांस बाहर लटक रहा था। सब देखकर वो काफी डर जाते हैं, जिसके बाद नील उस पुलिस ऑफिसर की गन निकालता है। और तभी हम देखते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर उनसे ये बात कहता है कि तुम जितना जल्दी हो सके अपनी जान बचाकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ मौजूद सभी लेडी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी बन चुकी है। और ये सुनने के बाद वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों को कुछ और बता पाता उससे पहले ही एक ज़ॉम्बी वहां पहुंचकर उस पुलिस ऑफिसर के सर को तलवार से दो टुकड़े कर देती है। ये सब देखकर वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, इसलिए अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं, और बहुत सारी लेडी ज़ॉम्बीज उनका पीछा भी करने लगती हैं। और वो भागते भागते एक घर के पार पहुंचते हैं, और उस दौरान माइकी को चाबी नहीं मिल रही होती है, लेकिन लकीली उसे चाबी मिल जाती है और वो सभी घर के अंदर पहुंच जाते हैं। और वो सब यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहे थे कि इस टाउन के सारे मैन कहाँ चले गए, तो वो ऑफिसर उन्हें बताता है कि सारे आदमी मारे जा चुके हैं। तो विंस को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, और इसी दौरान उन दोनों में झड़प भी हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग प्लान करते हैं कि हमें यहाँ से किसी तरीके से बाहर निकलना होगा। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो नील को आगे भेजेंगे जो कि कैंडी को गुमराह करके बस से बाहर निकालेगा, और जब नील ऐसा कर लेता है तो बाकी सब बस के अंदर घुस जाते हैं। लेकिन बस में पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि सारे ज़ॉम्बीज बस के अंदर ही मौजूद हैं, और इसीलिए वो सब अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग निकलते हैं। हालांकि इस दौरान हम पैट्रिक को देखते हैं जो कि वहां से एक बैग लेकर निकलना चाहता था, लेकिन ज़ॉम्बी उस बैग को पकड़ लेती है। जब पैट्रिक उस बैग को खींच रहा था तो रस्सी टूट जाने की वजह से वो बाहर गिरता है, और इस मौके का फायदा उठाकर वो ज़ॉम्बी उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन पैट्रिक की जान वहां बच जाती है और वो भागकर एक एडवर्टाइजमेंट बोर्ड पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उस दौरान भी उसके पैर पर एक कुल्हाड़ी से अटैक कर देती है, लेकिन जैसे तैसे पैट्रिक उस बोर्ड तक
पहुंच जाता है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो लोग जब रूम में जाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ ज़ॉम्बीज़ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस चीज से वो लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन वो यहाँ पर उन ज़ॉम्बीज़ को आपस में चकमा देकर वहाँ से भाग निकलते हैं। उसी दौरान हमें नेल को दिखाया जाता है जो कि भाग भाग कर काफी ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो एक ज़ॉम्बी से बचकर एक घर में पहुंच जाता है और उसे लग रहा था कि अब वो बच चुका है, लेकिन ऐसा नहीं था क्योंकि उस घर के अंदर भी एक ज़ॉम्बी उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद हम विंस और मैट को देखते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो अपने दोस्तों से बात करने के लिए एक रोबोट कार की मदद से उनके पास वॉकी टॉकी भेजेंगे, और वो जब रोबोट कार बाहर निकालते हैं तो उस कार को देखने के बाद सारे ज़ॉम्बी उनकी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो वॉकी टॉकी अपने दोस्तों के पास पहुंचा देते हैं। फिर हम नेल को देखते हैं जिसको एक ज़ॉम्बी ने बंदी बना लिया था और वो उसके साथ डेट कर रही थी। हालांकि इस दौरान नेल काफी ज्यादा दुखी था और रो रहा था, और वो उसे बहुत ही प्यार से खुद को खोलने के लिए कहता है। हालांकि वो ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन वो उसे खोलने की बजाय उसकी उंगली काट कर खाने लगती है। जिसके बाद हम माइकी को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज को धोखा देकर उस ऑफिसर की गाड़ी तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो गाड़ी खुल ही नहीं रही है, इसलिए वो एक ईंट की मदद से उसका शीशा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो ईंट का टुकड़ा खुद माइकी को जाकर लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि ज़ॉम्बीज के हाथ एक कटा हुआ सर लग जाता है जिसको वो चबा चबा कर खाने लगते हैं, लेकिन उसी दौरान जिस गाड़ी के पास माइकी खड़ा था उस गाड़ी का भी हॉर्न बज जाता है, जिस हॉर्न को सुनकर वो उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिससे माइकी काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से बाहर निकलकर एक मीट शॉप में घुस जाता है। वहां घुसने के बाद वो देखता है कि एक बूचर मांस को बुरी तरीके से काट रहा था, और ये किसी और का नहीं बल्कि इंसान का मांस था। ये देखकर माइकी काफी ज्यादा डर जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मैट को देखते हैं जो कि एक गन में फ्यूल भरकर तैयार करता है क्योंकि वो उस गन की मदद से उन ज़ॉम्बीज़ को मारना चाहता था। हालांकि यहाँ पर जब विंस पूछता है कि मेरी गन कहाँ है, वो उसे एक छोटी सी गन दे देता है, और वो दोनों जब बाहर आते हैं तो एक ज़ॉम्बी उनके सामने आ जाती है जिसको मैट उस गन की मदद से बुरी तरीके से जला देता है, लेकिन वो गन वो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वो गन पूरी तरीके से जल जाती है। और मैट जब उस गन को वहां फेंक देता है तो फ्यूल की वजह से वहां मौजूद पूरी शॉप ब्लास्ट हो जाती है। उसी दौरान हम माइकी को देखते हैं जिसको वो ज़ॉम्बी शॉप के बाहर फेंक देता है और उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन उससे पहले ही वो सारे ज़ॉम्बीज को धक्का देते हुए शॉप के अंदर पहुंच जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विंस और मैट चर्च में पहुंच जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि चर्च में वो सेफ रह सकते हैं, लेकिन तभी हमें झलक दिखाई जाती है कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए ऑफिसर माइकी और ग्रहम के साथ लड़कियों का लुक ले लेता है ताकि अगर वो ज़ॉम्बीज़ के सामने जाएं तो वो लोग उन्हें अपनी तरह समझकर उन पर कोई अटैक ना करें, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि विंस और मैट को चर्च में चारों तरफ खून और लाश दिखाई देती है जिसको देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पैट्रिक के पास जो ज़ॉम्बी मौजूद थी वो उस पोल को तोड़ देती है और पैट्रिक वहां से गिर जाता है, लेकिन वो अपनी जान बचाकर बस की तरफ भागकर आता है। उसी दौरान हमें नेल को भी दिखाया जाता है जिसको वो ज़ॉम्बी जब खोल रही होती है तो वो मौका पाकर उसके हाथ से मशीन छुड़ाकर उसी पर अटैक कर देता है, और फिर वो घर के बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत सारे ज़ॉम्बी आकर उसे घेर लेते हैं जिनसे डर कर वो घर के अंदर वापस जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बीज भी उनके साथ ही अंदर घुस जाते हैं। हालांकि वो रूफ की मदद से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि वो वापस से घर के अंदर गिर जाता है जहां पर बहुत सारी ज़ॉम्बीज उसे घेर लेती हैं, जिनसे बचने की कोशिश तो करता है लेकिन वो आपस में ही नेल के लिए लड़ पड़ती हैं। इस मौके का फायदा उठाकर नेल वहां से निकल जाता है। फिर वो सभी दोस्त जब इकट्ठे होते हैं तो वो साथ मिलकर ये प्लानिंग करते हैं कि वो किस तरीके से यहां से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि वहां मौजूद ऑफिसर एक रिमोट बटन ढूंढता है जिसको ढूंढने और दबाने के बाद वहां मौजूद सारे सिस्टम ऑन हो जाते हैं, और कैमरा ऑन होने के बाद वहां एक डॉक्टर बात करने लगती है जो कि इस बारे में बात कर रही थी कि किस तरीके से पूरे टाउन में सिर्फ लेडीज में वो वायरस फैला है, लेकिन जब वो देखती है कि दूसरी तरफ उनके ऑफिसर नहीं बल्कि कोई और ही लोग है, इसलिए वो बिना सोचे समझे उस वीडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देती है, जिसके बाद वहां पर एक छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता है, और ये सब देखने के बाद वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऑफिसर उन्हें बताता है कि अब फेस 2 शुरू होने वाला है। ये सुनकर वो सभी और डर जाते हैं कि फेस 1 में ऐसा क्या हुआ था। वो बताता है कि फेस 1 में वो लोग अग्रेसिव होकर म्यूटेंट बन गए थे और फेस 2 में अब वो और भी ज्यादा खतरनाक और फास्ट हो जाएंगे, और बिल्कुल ऐसा ही होता है। सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा होकर चर्च के बाहर दरवाजे
दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। इस दौरान ऑफिसर उन लोगों को बताता है कि इस रिमोट को दबाने के बाद वो जहां होंगे वो वहीं रुक जाएंगे, और वो ऐसा ही करता है लेकिन उस रिमोट से कोई भी असर नहीं होता। तभी मैट वहां रखा डिटर्जेंट पाउडर दिखाता है और ये बात बोलता है कि इसी के अंदर ऐसा कुछ है जिसकी वजह से यहां मौजूद सारी लेडीज ज़ॉम्बी बन रही हैं। और तभी वहां एक ज़ॉम्बी आकर उस सोल्जर को बेरहमी से मार देती है। हालांकि उसी दौरान मैट भी उस ज़ॉम्बी पर अटैक कर देता है और उसे बेरहमी से मार देता है। जिसके बाद जब विंस एक रूम में पहुंचता है तो वहां देखता है कि मैट को एक डेमन ने बहुत ही बेरहमी से मार दिया है। देखकर वो काफी ज्यादा दुखी होता है और वो कुछ समझ पाता है उससे पहले ही वो डीमन या कह सकते हैं वो ज़ॉम्बी उसे भी मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, जिसके बाद वो सभी मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं। और इस मौके का फायदा उठाकर माइकी एक तलवार उसके सीने में घुसा देता है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारी जाती है। फिर वो लोग जब बेसमेंट में पहुंचते हैं तो वहां का मंजर देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि वहां पर टाउन के सारे आदमी मरे हुए पड़े थे और उनकी कंडीशन बहुत ही खराब थी और वहां की सारी लेडी ज़ॉम्बीज उनको नोच नोच कर खा रही थी। ये सब देखकर वो वापस आकर रूम में छुप जाते हैं। उसी दौरान वहां पर एक और आदमी आता है जो कि वहां पर टाउन पूरा खाली देखकर काफी हैरान हो जाता है। तो वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि यहां पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं, पर वो आदमी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे ऐसा लगता है कि वो सभी नशे में हैं। जिसके बाद वो सीढ़ियों की मदद से नीचे उतरने की कोशिश करते हैं तो वहां एक ज़ॉम्बी पहुंच जाती है, जिससे बचने के लिए वो जब वापस ऊपर जाते हैं तो वो स्टेयर दूसरी छत पर गिर जाती है, जिसकी मदद से वो दूसरी रूफ पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो स्टेयर क्रॉस करते वक्त ड्रैहम वहीं पर गिर जाता है और वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर कूद जाती है, जिसकी वजह से उसके दोस्तों को लगता है कि वो वहीं पर मारा गया है। और वो लोग जब उस टाउन से बाहर निकलने के लिए उस आदमी की गाड़ी के पास पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो गाड़ी बहुत छोटी है, वो सभी उसके अंदर नहीं आ सकते। और वो चीजों को समझने की कोशिश ही कर रहे थे कि वहां एक ज़ॉम्बी पहुंच जाती है जो कि पैट्रिक को बेरहमी से लगातार वार करके मार देती है। और ये सब देखकर वो सभी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और तुरंत अपनी बस की तरफ भाग कर आते हैं। और वहां पहुंचकर कैंडी उन पर अटैक कर देती है, लेकिन विंस और नील उसे रोक लेते हैं। और वो जब आदमी उस बस की तरफ बढ़ रहा था तो वहां ज़ॉम्बी पहुंचकर उस पर चाकू से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पर मारा जाता है। जिसके बाद विंस माइकी और नील के साथ वो बस लेकर वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हमें झलक दिखाई जाती है, ग्रैहम अभी तक जिंदा है जो कि वॉकी टॉकी की मदद से अपने दोस्तों को कॉन्टेक्ट करता है, तो उसके दोस्त उसे वापस लेने के लिए वहां पहुंच जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि ग्रैहम जो निकली हुई वायर थी जब उसको जोड़ देता है तो फिर से उस रिमोट की मदद से ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कर सकते थे। ये देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन नील इस दौरान इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वो रिमोट गलती से उसके हाथ से टूट जाता है, जिसके चलते वो सारे ज़ॉम्बीज उनकी तरफ बढ़ने लगते और अब उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद वो ग्रैहम को एक ट्रॉली की मदद से वहां से ले जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसकी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। और पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।